हेलो स्टूडेंट, आई एम आरके झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ठीक है, ये चैप्टर, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी का बताया समझाया। आर एस अग्रवाल के कई एडिशंस के बुक आपके पास होंगे, लेकिन ये जो हम चैप्टर आपको शुरू किए, आर एस अग्रवाल का न्यू बुक, इस सेशन का जो नया बुक है 2020-21 का जो न्यू बुक है, उस चैप्टर का, उस बुक से हम ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। जब पुराना बुक देखते हैं तो ये चैप्टर 8 है, नया बुक में ये चैप्टर 13 है, इसलिए चैप्टर 13 को हम शुरू कर रहे हैं। और एक खासियत ये है नया बुक में कि इसमें कलेक्टेड क्वेश्चन है, जितने भी सारे, मतलब जैसे पहले के बुक में आपको टोटल 37 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 37 क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो टाइम किलर क्वेश्चन है, बट इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है और उसको लिया गया है, इसलिए हम इस बुक से शुरू किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दिया हुआ क्वेश्चन, हमने पहले एलएचएस को लिखा है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। अब ये पावर 4 को हमने स्क्वायर के पावर स्क्वायर कर दी है, 2 जब 4 हो जाएगा सेम चीज की। अब ये करने के बाद ये एक आइडेंटिटी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाता है। इसीलिए हमने इसको एक बार, देखिए, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, एक बार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लिया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 से अगर हम इसको इंटू किए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, तो यही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आप देखिए आरएचएस में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो जब आपको कॉस स्क्वायर का काम है तो हम इस साइन स्क्वायर को स्प्लिट कर देते हैं। साइन स्क्वायर को हमने स्प्लिट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इस तरह से एक्सप्रेशन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आरएचएस बन गया, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन गया, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें पावर 4 है तो इसको भी वही किए हम, साइन के पावर, पहले तो एलएचएस को हमने लिख लिया, एलएचएस लिखने के बाद पावर 4 को देखिए स्क्वायर का स्क्वायर कर लिए। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय, यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ एक चीज और समझना कि जब दो फॉर्मूला है तो हम यही क्यों यूज किए, या ये क्यों कैसे समझेंगे हम कि प्लस का यूज किया जाएगा, क्योंकि अगर हम साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यूज करेंगे तो वो कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जब हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यूज करेंगे तो वो एक आइडेंटिटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यूज किए हैं। इसलिए ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद 1 आ जाता जो कि आरएचएस बन जाता है, क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन 2 आप बना सकते हो। क्वेश्चन 3 में है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो एलएचएस में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा पहले हमने एलएचएस में लिख दिया, और ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया, बाकी चीज को हम वैसे ही लिखे। अभी जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको फिर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए हम इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को
कॉसेक थीटा माइनस वन इंटू कॉसेक थीटा प्लस वन लिख दिए बाय वन प्लस कॉसेक थीटा, तो ये वन प्लस कॉसेक थीटा कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, वन प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन, तो वन प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन बचा, तो ये वन भी कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या कॉसेक थीटा बच गया, तो इस तरह से आर एच एस हमें मिल गए, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को बना सकते हैं। क्लियर, अब अगला क्वेश्चन को आप देखो।